हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। जैसे कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस में एडवर्ब की क्या पोजीशन होनी चाहिए जिससे कि जो मीनिंग है वो सही एक्सप्रेस हो सके। आज की क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे कि एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में कैसी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा जो रूल है वो है कि जो एडवर्ब इनफ है, सबसे पहले इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, ज्यादातर लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको इनफ पढ़ते हैं। तो जो एडवर्ब इनफ है, इट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। कि जो सेंटेंस में हम इनफ एडवर्ब को रखेंगे वो हमेशा उस वर्ड के बाद रखेंगे जो कि मॉडिफाई हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ, जेम्स इज बिग इनफ टू ट्रैवल अलोन। इसका मतलब ये है कि जेम्स इतना बड़ा हो चुका है कि वो अकेले ट्रैवल कर सके। तो यहाँ पर जो वर्ड दिल है वो मॉडिफाई हो रहा है, तो ठीक उसके बाद मैंने लिखा इनफ। इसी तरह हम और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे शी इज ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल, कि वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो स्कूल जा सके। अब यहाँ पर ओल्ड से मतलब ये नहीं कि हम उसको एज वाइज कह रहे कि वो बुढ़ी है, मतलब वो इतनी बड़ी हो चुकी है, ये सेंस हम इस वर्ड में देते हैं। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रूल है वो है एन एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो हमेशा वर्ब के बाद रखा जाएगा, या फिर अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन सैट देयर, इसका मतलब ये है कि जो बूढ़ा आदमी था वो यहाँ वहां बैठा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है सैट, और ठीक उसके बाद हमने क्या लगाया, एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज लीजा गेव मी अ बुक यस्टरडे, कि लीजा ने कल मुझे एक किताब दी। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो तो गेव है, अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन यहाँ पर है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बुक, तो ठीक हमने ऑब्जेक्ट के बाद लगाया एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि है यस्टरडे। तो लीजा गेव मी अ बुक यस्टरडे। नेक्स्ट रूल इज When there are more than one adverb in a sentence, the order should be adverb of manner, adverb of place and then last one adverb of time. मतलब ये कि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब यूज हो रहे हैं तो जो ऑर्डर होगा वो किस तरह से होगा, सबसे पहले हम रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और लास्ट में आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहां मैंने लिखा है शी sang beautifully there yesterday, कि कल उसने वहां बहुत अच्छा गाना गाया। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुली वर्ड है वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कैसे गाया। फिर कहाँ गाया, देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और लास्ट में आया yesterday जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमें सेंटेंस में ये जो ऑर्डर है इसको एज इट इज रखना है, वरना जो मीनिंग है वो इधर से उधर हो जाएगा। तो जो ऑर्डर रहेगा एडवर्ब का वो ऐसा रहेगा। And the last sentence is Nitish will go there tomorrow, कि नितीश कल वहां जाएगा। तो there हुआ यहाँ पर adverb of place और बाद में आया उसकी adverb of time यानी कि tomorrow। तो हमें सेंटेंस में ये ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा सही मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। तो आज की क्लास में हमने कुछ और रूल्स जाने पोजिशन और एडवर्ब से रिलेटेड। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।